जी मेरा नाम मोहम्मद अफसर है। हाँ जी। और मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। रामपुर यूपी में। यूपी में अचानक कंपनी के अंदर मुझे अटैक आया, मैं गिर गया नीचे। लोगों ने वहाँ पर उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके वहाँ पर जो एक डॉक्टर था तो उसने मुझसे सजेशन दिया कि इसका बाईपास सर्जरी होगी। तीन रगों में तीन नसों ब्लॉकेज थी। अच्छा। तीन नसों तो वो उसने कहा कि इसका बाईपास सर्जरी होगी। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा बाईपास सर्जरी में नहीं कराऊंगा। हमारे खास रिश्तेदार थे वो यहाँ पर पहले आ चुके थे सीरिया के। अच्छा, डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक है। मैंने इसीलिए 21 ACP लगवा लिए 21 बोतल तो लगा ली थी। मैंने छोड़ दिया, मैंने कुछ हो तो नहीं रहा, खाम खाई दवा खा रहा हूँ। दवाई भी छोड़ दी आपने खानी? दवा भी छोड़ दी, सब कुछ हो गया। उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आप सभी का सीरिया मेडिकल सेंटर में स्वागत है। उनका ये यूट्यूब चैनल है जिसमें हम बहुत तरह के पेशेंट्स की जो है हम वीडियो बनाकर डालते हैं और इससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अफजल साहब, जो कि काफ़ी साल बाद यहाँ दोबारा आए हैं। इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी और उसका इलाज करवाने के लिए आज से करीब 15 साल पहले हॉस्पिटल आए और इलाज कराकर चले गए। तो आगे इन्होंने कुछ थोड़ी लापरवाही भी की, मुझे पता लगा कि इन्होंने दवाई खानी भी छोड़ दी। अब 15 साल बाद दोबारा प्रॉब्लम आई और ये दोबारा सीबीआई मेडिकल सेंटर आए हैं। और इन्हीं से बात करके पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी और कैसे इन्होंने इलाज करवाया। तो नमस्कार सर एंड सलाम अलैकुम। और क्या बात है, आपका नाम सर? जी मेरा नाम मोहम्मद अफसर है। हाँ जी। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। रामपुर यूपी में है? यूपी में है। ठीक है, जहाँ वो चाकू बनते हैं। चाकू बनते हैं, बहुत चीज़ें होंगी। चाकू छुरियाँ वाला रामपुर। आजकल तो एक वो बना दिया है, एक चौक बना दिया है, इसके ऊपर रामपुर का चाकू लगा हुआ है। वो जो चौक बनाया है? चौक बनाया है। मैंने पढ़ा था पेपर में, वो चौक चाकू बनाया हुआ है, मॉडल है। मॉडल बनाया और वो क्योंकि रामपुरी चाकू मशहूर है इसके लिए वो बना दिया है लोगों ने, जिसने भी बनाया था। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी आज से 15 साल पहले, वो क्या प्रॉब्लम थी आप वो बताइए हमारे दर्शकों को। अचानक कंपनी के अंदर मुझे अटैक आया, मैं गिर गया नीचे। लोगों ने वहाँ पर उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके वहाँ पर एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। ये कौन से सन की बात होगी? ये सन 2010 की बात है। 2010 की बात है। तो फिर आप वहाँ से? फिर तो वहाँ से वहाँ पर जो एक डॉक्टर था, मसरी था, इजेक्शन था वो, तो उसने मुझसे सजेशन दिया कि इसका बाईपास सर्जरी होगी। ठीक है। तो मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा सर्जरी मैं नहीं कराऊंगा। कितने परसेंट ब्लॉकेज थी आपकी बताइए उन्होंने? तीन रगों में तीन नसों ब्लॉकेज थी। अच्छा। तीन नसों ऊपर हार्ट के ऊपर, हार्ट के अंदर नहीं, बाहर ही होती है ब्लॉकेज। तो ठीक है। तो वो उसने कहा कि इसका बाईपास सर्जरी होगी। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा सर्जरी मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है। और बहुत समझाता रहा कि करा लो या फिर ही हो जाएगा। और नहीं, मुझे करा नहीं। तो फिर आप लुधियाना कैसे पहुंच गए इतनी दूर से? लुधियाना ऐसे पहुंचे कि मैं वहां से छुट्टी लेकर इंडिया आया। आने के बाद फिर यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि यार दिल्ली के अंदर किसी बड़े अस्पताल के अंदर ना हो ट्रीटमेंट कराऊ। लेकिन हमारे खास रिश्तेदार थे वो यहाँ पर पहले आ चुके थे सीरिया के। अच्छा। डॉक्टर ठीक है ठीक है। लुधियाना में तो उन्होंने कहा कि यार ऑपरेशन कराने के बाद चलो लुधियाना ही चलो। ठीक बात है। तो वो साथ में आए, जितने जितने अच्छे आदमी थे कि वो साथ में आए यहाँ तक, और यहाँ तक इंट्रोडक्शन कराया हमारा, इंट्रोड्यूस कराया इनको, और फिर इस तरह से इलाज शुरू हुआ हमारा। तो जब आप पहली बार आए 2013 में, तो उस समय आपने कितनी वो यूनिट लगवाए ACG जिसको हम बोलते हैं? मैंने ACG 21 ACP लगवा लिए 21 बोतल तो लगा ली थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मेरा छुट्टी जाने का टाइम हो गया था, तो आपको मजबूरन वापस जाना पड़ा। वापस चला गया। तो आप जॉब यूएई कहाँ करते हैं आप? मैं सऊदी अरब में था। सऊदी अरब तो 6 साल उधर छोड़ दिया। ठीक है ठीक है। कंपनी ने बोला भी कि वापस आना, मैंने मना कर दिया। बहरहाल यहाँ से मैं जब वापस गया, यहाँ से दवाएं लेके गया, उसके बाद यहाँ से दवाएं बिजनेस हमारी भेजती रही,
और मैं इस्तेमाल करता रहा। फिर दो साल के बाद मैं थक गया था दवा खाते खाते, मैंने छोड़ दिया, मैंने कुछ सोच नहीं रहा है, खामा खाई दवा खा रहा हूँ। दवाई भी छोड़ दी आपने खानी? दवा भी छोड़ दी, सब कुछ हो गया, उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो आपका आपका खाना पीना या कुछ और कुछ परहेज वगैरह आप करते हो? अच्छा, कुछ नहीं करा? नहीं करा। यहाँ से जब 21 यूनिट आपने लगवाए उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया और आप फिर भी आप ठीक रहे? बिल्कुल। 2013 9 साल हो गए? नहीं, उसके बाद फिर यहाँ पर आया हूँ मैं अभी, समझो 2018 में आया था यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक है। 2018 में वापस आया था मैं, बिल्कुल नॉर्मल था यहाँ पर। 6 साल तक कुछ भी नहीं हुआ था, अभी करीब 10 मार्च से अचानक ये रिटर्न हो गया। मैं खड़े खड़े गिर गया बिल्कुल, और सब बच्चे भी परेशान हो गए। तो उसी जो पुरानी आपकी तकलीफ थी वो दोबारा उसी का? हाँ, उसी वही रिपीट हुई सर, वही ऐसे वहाँ भी गिर गया था, जहाँ भी ऐसे गिर गया मैं, वही बात हुई। हाँ, यहाँ पर आया तो फिर ये वहाँ पर पहले तो लोकल ये क्योंकि इतना सीरियस था कि वहाँ के लोकल डॉक्टरों को कंसल्ट करना पड़ा रामपुर में, डॉक्टर है। तो उसके बाद गए तो उसने देखा, देखने के बाद उसने रिफर किया कि तुम बरेली ले। ठीक है, हमने कहा सलाम वालेकुम, छोड़ गया। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उसके पास गए, वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट है वो, तो उसने ट्रीटमेंट किया। क्योंकि यहाँ से हमने उसी उसके दूसरे दिन हमने डॉक्टर साहब से फोन पे बात कर ली, यहाँ पर फोन पे बात करी इनसे। ठीक है, क्योंकि हमारा लड़का जो है अच्छी तरह से कांटेक्ट करता है, पहले से इनका मतलब लिंक है। लड़का जो यहाँ पे मुझे लेके आया था बेटा बड़ा, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी डॉक्टर के साथ। ठीक बात है। तो फिर ये बातचीत करता रहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम 10-12 दिन और ट्रीटमेंट करो, इलाज कराओ, ये दवा खाओ जैसे वो डॉक्टर लिख के दे, और फिर उसके बाद 10-15 दिन में अगर तुमको फील हो तो ले आना। फिर आना। ठीक है। वहाँ 10-15 दिन मैंने देखा, ठीक था बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन लड़का हमारा कहा कि जाऊंगा मैं उधर लुधियाना और डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा जाके, वो इसलिए बेचारा लड़का हमारा दोबारा लेकर आया। यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि अफजल साहब ने तो दवाई खानी छोड़ दी थी, लेकिन आप दवाई मत छोड़ो, जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन वो लेते रहो, क्योंकि दवाई जो है ना, दवाई खाते रहे, थोड़ी दवाई से ही आपका काम चल जाता है, लेकिन आपने तो दवाई खानी छोड़ दी ना, तो उससे नुकसान तो होना ही था। तो अब आप जब ट्रीटमेंट, कितने यूनिट आप लगवा चुके हो आपको? मतलब ये अभी जब शुरू, अभी तो 10-15 दिन तो हो गए, 15 दिन हो गए, तो अब आप पूरे 30 कर रहे हो? अभी तो बराबर दवाई खा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। डर गया मैं। तो ऐसा बताइए, आप जो हार्ट की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है, और जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ उसको सभी डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप अभी ऑपरेशन कराओ या आप घर भी नहीं पहुँचोगे। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अरे यार, मैं क्या बताऊँ लोगों को, हम लोगों को डराते हैं। मैं समझता हूँ कि डराने के अलावा कुछ नहीं है। आप अपने जीवन के इस एक्सपीरियंस से बता रहे हो ये बात? बिल्कुल, अपने मैंने देखा कि ये डॉक्टर ज्यादातर डराते हैं। ये जो जितने भी छोटे भैया डॉक्टर होते हैं ना, छोटे छोटे, अब ये तो माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह बहुत एडवांस आदमी है डॉक्टर साहब ये, तो इनके सजेशन में और उनके सजेशन में बहुत फर्क होता है। ये जो सजेशन देंगे बिल्कुल सही देंगे, वो जाओ ऑपरेशन करा लो, जो डॉक्टर ये था ऐसा ना, अरे अरे पहले जिसको दिखाया था हमने, ठीक है, तो उसने तो कहा कि अपने पापा को बचा लो बेटे से हमारे, और इनको ले जाओ फौरन ऑपरेशन करा दो। तो मैंने ऑपरेशन करने वाला को हशर देख चुका था मैं, क्योंकि मेरे साथ में वहाँ पाकिस्तानी था एक, उसको ऑपरेशन कराया था, तो वो बेचारा बिल्कुल बेकार हो गया था, यानी वो बस वो ऑपरेशन होने के बाद बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि बिस्तर पर डाल रहे। और आप यहाँ से? मैं इतना डर गया था कि मैं देख के बोला यार, अगर ऑपरेशन के बाद ये असर होगा तो फिर नहीं। अफजल साहब ये बताइए, आप वो तो बेकार हो गया, लेकिन आपने यहाँ से जब यूनिट लगवाए उसके बाद पहले जब जो आपने 10-12 साल पहले जब ट्रीटमेंट करवाई, तो जब आपने यूनिट लगवाए उसके बाद जब आप काम पे गए तो आपका वर्किंग कैपेबिलिटी उतनी थी, मेरा जो वो था स्पीड के काम की वो ज्यादा ही हो गई थी, ज्यादा हो गई,
तो आपकी जो बॉडी एनर्जी ज्यादा हो गई, आप ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ गई आपकी, क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत अच्छी तरह से मैंने अपने कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस दिया, मैंने सब कंपनी वाले खुश, मालिक खुश। तो ये तो अब ये कि ऊपर वाले की मर्जी है या फिर डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट की बात है, आप ये तो ऊपर वाला जानता है। आप जो लोग हार्ट की पेशेंट जो है या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है या जिन्होंने ट्रीटमेंट करवाना है, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? बस मैसेज ये है कि अगर आपकी पहुंच यहाँ तक हो सकती है लुधियाना तक डॉक्टर साहब के पास तक, तो आप ये सारे डॉक्टरों का चक्कर छोड़े और सीधे यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर बाईपास सर्जरी होती नहीं है, बगैर बाईपास के ये लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं। और मैंने देखा है यहाँ पर पहले भी और अभी देख रहा हूँ मैं, पहले से ज्यादा एडवांस अब हो गया है। पहले तो इतना नहीं था, इनके पास मशीनें इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि काफी मशीनें आ गई हैं और ये अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी मैं 2-3 हो गए मुझे यहाँ पर आए, 2 दिन के अंदर मैं अपने आप को बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अब तो परसों और एक बार करवा मैं, उसके बाद फिर चला जाऊंगा मैं। सो आपने देखा जैसे दर्शकों के आपके सामने अब्दुल साहब ने आपको बताया, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताया, तो इन्होंने जैसे पहले ट्रीटमेंट करवाई उसके बाद ये 100% नॉर्मल रहे, अब दोबारा जब आके इन्होंने अभी 2 दिन ही इनकी ट्रीटमेंट को हुए हैं और ये आगे से बहुत बेहतर फील कर रहे हैं, तो मेरी भी आप सभी से यही गुजारिश है कि मैंने भी खुद इस तकलीफ को झेला है, इसको मैंने भी अपने ऊपर हटाया है मैंने इसको, और मैं भी आपको यही कहूँगा कि डॉक्टर सीलिया जो कि लुधियाना में है और इनका जो हॉस्पिटल है वो लुधियाना के फुहारा चौक के बिल्कुल पास ही है, पेट्रोल पंप के साइड में। तो आप जब भी आपको किसी को या आपके परिवार में किसी को जब हार्ट की प्रॉब्लम हो तो आप सीबिया मेडिकल सेंटर कॉन्टेक्ट करें, यहाँ डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत देवता आदमी हैं, दरवेश आदमी हैं, और मेडिकल प्रोफेशन में ऐसे डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। सो आप सभी से एक बार फिर यही गुजारिश है कि अगर आप कभी कोई प्रॉब्लम आए, आप खुद या आपने किसी को जानकर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप उन्हें लुधियाना में सीबीआई मेडिकल सेंटर भेजकर उनका जो है ट्रीटमेंट, परफेक्ट ट्रीटमेंट करवाएं और अपना लाभ उठाएं। थैंक यू।